जो आपने कला सिखाई है बच्चों को, तीन चार दिन से आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इसको क्या कहेंगे? जादू कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, या कोई आपकी ही कला है तो क्या नाम देंगे आप इसको? क्या बच्चों की तीसरी आँख ही कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, तीसरी आँख ही कहेंगे। और इसमें मेडिटेशन और तांडव नृत्य और नाद योग, इसके क्लब एक्टिविटीज़ रही हैं, और ब्रेन बैलेंसिंग, मानसिक संतुलन, इन एक्टिविटीज़ से तीसरी आँख खुलने की प्रक्रिया हो सकती है। जब से मुझे ये पिछले 11 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, जब पता चला कि बच्चे और बड़े आँख बंद करके देख सकते हैं, तो पुराने ज़माने में कई पुराणों में भी लिखा गया है और योग में भी है कि त्राटक विधि द्वारा हम अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी एक कला को क्यों ना हमारे क्षेत्र के अंदर भी लेके जाया जाए, और मैंने जितेंद्र जी से संपर्क किया। 3 दिन में खेल खेल के अंदर ही बच्चों पर कोई वजन नहीं डाला, कोई कुछ नहीं किया, और खेल खेल में ये सारी विद्या सीख गए। ऊपर डी लिखा है ब्लू कलर में, और व्हाइट कलर का एक डॉग है। जी, व्हाइट कलर का डॉग है और डी लिखा हुआ था ब्लू कलर में। वेरी गुड। अच्छा, रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर का 4 है। रेड कलर में व्हाइट कलर का 4 है। वेरी गुड। बच्चे ने सूंघ कर इसको बताया है, और आउल छपा हुआ है, और बड़ा पीछे भी देखते बिल्कुल सही इसने बताया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, बच्चे आंखों पर पट्टी बांध कर कार्ड्स पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, और ये एक अपने आप में एक अद्भुत कला है। इस कला को सिखाने वाले जो गुरु जी है वो हमारे साथ है, जितेंद्र जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हमें तो ये पता है आपका नाम जितेंद्र है, अपना फुल परिचय दीजिए। मैं एक प्रोजेक्ट बेस्ड साइंटिस्ट हूँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में, और इसके साथ साथ विजडम ऑफ माइंड करके संस्था है, जिसमें हम मेंटल एबिलिटीज एनहांसमेंट यानी मानसिक शक्तियों के विकास पर काम करते हैं। छोटे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहता है पढ़ाई लिखाई में, जैसे रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन, कंसंट्रेशन। आजकल बच्चों में बड़े डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो उनमें कैसे सुधार हो सकता है। और बड़े लोगों के लिए मेडिटेशन, मानसिक शांति, आजकल ओवर थिंकिंग और नींद नहीं आती, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और स्ट्रेस की वजह से बीपी और शुगर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, इन सभी के इलाज हमारा दिमाग कर सकता है, इस पर हम काम करते हैं। तो सर, जो आपने कला सिखाई है बच्चों को, 3-4 दिन से आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इसको क्या कहेंगे? जादू कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, या कोई आपकी ही कला है तो क्या नाम देंगे आप इसको? इसको आप जो मर्जी कह लीजिए, जादू जैसा लगता है, चमत्कार जैसा, लेकिन इसको ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं। ब्रेन एक्टिवेशन या थर्ड आई एक्टिवेशन, बेसिकली पीनियल ग्लैंड करके हमारा एक ग्लैंड होता है, जिसको 6th sense भी कहा जाता है, छठी इंद्री हमने सुना होगा। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो सारा डेटा इनपुट लेके 6th इंद्रियों को भेजती हैं प्रोसेस करने के लिए। और प्रकृति में ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं जिनको हम सीक्रेट सिग्नल कहेंगे, जिनको हम प्रोसेस नहीं कर पाते, तो 6th इंद्री के थ्रू हम उनको भी प्रोसेस कर पाते हैं और हमारी मानसिक शक्तियों को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो अक्सर देखा हमने, महाभारत भी देखी, रामायण भी देखी, और भी जैसे पुरातन नाटक आते हैं टीवी मात्र में, देखा गया शिव जी का तांडव होता है, उनकी तीसरी आंख खुलती है, क्या बच्चों की तीसरी आंख ही कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, तीसरी आंख ही कहेंगे। और इसमें प्रोसेस में जो तीसरी आंख खोलने की अगर हम बात करें, वैसे तो इसमें इन्होंने मेडिटेशन और तांडव नृत्य और नाद योग, इसके क्लब एक्टिविटीज़ रही हैं, और ब्रेन बैलेंसिंग, मानसिक संतुलन, इन एक्टिविटीज़ से तीसरी आंख खोलने की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये जो इसे बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है, तो इनका जो माइंड है वो बैलेंस किया गया, माइंड वॉश किया गया? माइंड बैलेंस किया गया, वॉश जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है जी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हुआ है कि हमने कई तरीके के कार्ड्स, कई बुक्स, नोटबुक्स और करके देखे इन्हें किया है। और यही चीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो जब से मुझे ये पिछले 11 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, जब पता चला कि बच्चे और बड़े आँख बंद करके देख सकते हैं, तो मेरे ध्यान में आया क्यों ना इस विद्या का उपयोग नेत्रहीन भाई बहनों के लिए किया जाए। फिर मैंने जो जन्म से ही नेत्रहीन या दृष्टिहीन है, या बाद में किसी कारणवश उनकी आंखें चली गई, उन पर मैंने ये करना शुरू किया, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी तक लगभग 550 नेत्रहीन दृष्टिहीन भाई बंधु ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि वो रंगों की पहचान कर पा रहे हैं, और ये सेवा पूर्णतया निःशुल्क है। तो आपने जैसे नेत्रहीन को आँखें देना काम किया एक किस्म से, तो बच्चे सूंघकर भी बता रहे थे, ऐसे खड़का के बता रहे थे, वो क्या था उसके बारे में बताइए? ऐसा है कि जब ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, बेसिकली होता ये है कि हमारा पीनियल ग्लैंड यानी 6th sense जो है, उस पर 18-19 साल की एज के बाद कैल्शियम की लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसको डीकैल्सीफाई करना
ही प्रोसेस है। कुछ म्यूज़िक थेरेपी रहती है, उनसे ब्रेन एक्टिव रहता है, ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होते हैं जिससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। और पुराने ज़माने में कई पुराणों में लिखा गया है और योग में भी है कि त्राटक विधि द्वारा हम अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान, योग और त्राटक और प्राणायाम की विधियाँ ही हैं जिनसे ये देखते हैं। आपने पूछा कि ये आवाज़ करके, जैसे एक मिनट, ये आवाज़ करके या फिर सूंघ के कैसे बताया, तो होता ये है कि जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है तो हमारी पांचों इंद्रियां पांचों काम करना शुरू कर देती हैं। तो कुछ बच्चे टच करके बता रहे थे, यानी टच आंखों का काम कर रहा है, कई सूंघ के इनपुट लेते हैं और कई आवाज़ से इनपुट लेते हैं। इनपुट जाना चाहिए दिमाग में और दिमाग को पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो जैसे प्राचीन समय में देखा अक्सर ऋषि जो होते थे वो अपनी ध्यान केंद्रित करके जी दूर तक की बता देते थे, क्या वही भी दी जी इस तरीके से बता सकते हैं उसको। अगर दर्शकगण डिटेल में देखना चाहते हैं तो विजडम ऑफ माइंड करके वेबसाइट में डिटेल दे रखी है। और इस प्रोसेस को जो आप कह रहे हैं उसको हम टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी से हम दूसरे के विचारों को पढ़ सकते हैं और बिना किसी आवाज़ के हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं मानसिक सिग्नल्स द्वारा। तो कितने बच्चों को आप अब तक सिखा चुके हैं? अभी तक लगभग 15,000 बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और वो जल्दी याद करते हैं और रिटेंशन भी लंबा रहता है, यानी कि जल्दी भूलते नहीं हैं। तो जैसा ही आपने कहा कि 11 साल से आप सिखा रहे हो तो 15,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हो जी। तो ये बचपन में जैसे ट्रेनिंग ले ली बच्चे ने, क्या बड़ा हो गया इसको भूल जाता है या नहीं? कैसे? ये एक मानसिक ट्रेनिंग है, एक जैसे खेल सीखने जैसा है। एग्जांपल के लिए, आपको अगर बैडमिंटन नहीं आता, आपने बैडमिंटन सीख लिया बचपन में, तो मुझे नहीं लगता कि 50 साल तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो शार्प रहेगी, नहीं तो भूलेंगे बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत कमी रह सकती है उस चीज़ में। जैसे छोटे बच्चों को तो हमने ट्रेनिंग तो देखा है जी, बड़े कितनी उम्र तक कैसे ले सकते हैं? अभी तक मैंने 55 साल तक के बड़े लोगों पे ट्रेनिंग दी और उन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है? अभी तक तो 55 साल तक तो हुई नहीं, आगे देखेंगे। इसको वैज्ञानिक कहे क्या कहे इसे बताओ? नहीं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणिक है ये, काफ़ी इस पर रिसर्च हुई है। 1980 के दशक में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काफ़ी रिसर्च हुई थी। और अगर और पुरानी बात करते हैं तो लगभग 5,000 साल पहले की बात करते हैं तो महाभारत में एक प्रकरण आता है कि संजय ने अपनी दूरदृष्टि से युद्ध का वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाया था, तो वहाँ से चल रही है। इसको बोलते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी हाई लेवल पर हुई है, उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये। क्या उद्देश्य आपका और क्या मिशन लेकर चल रहे हो? मेरा उद्देश्य है कि आजकल देखो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बढ़िया ट्यूशन देते हैं, उसके बाद भी बच्चों का अच्छा आउटकम नहीं आ पा रहा है। बड़े लोगों की बात करते हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो काफ़ी अटैम्प्ट करने के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। कुछ बच्चों को होता है कि एक या दो नंबर से रह गए। तो इस तरीके से ना रहें, अपनी मानसिक शक्तियों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास भगवान ने इतनी पावरफुल मशीन दी है, हम उसको समझें और उसका सही उपयोग करें मानवता की भलाई के लिए। ये मेरा उद्देश्य और मिशन है। तो ये जो आपने कला सिखाई है, ये कला जैसे आंखें बंद करके बच्चों ने पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में जो आपने बात कही कि वो असर पड़ता है, तो किस प्रकार जैसे बच्चा कमज़ोर है उस पर भी असर पड़ेगा? जी, एकाग्रता बढ़ जाती है बच्चे की। कमज़ोर बच्चा बेसिकली हम बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर जो दर्शक देख रहे हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि कहते हैं कि बच्चे का दिमाग नहीं है, याद नहीं रहता। तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बच्चा जब टीवी देखता है, कार्टून मूवीज़ देखता है, सीरियल देखते हैं, तो क्या वो भूल जाता है? शायद वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कुछ भी याद रहता है तो किताब की पढ़ाई की चीज़ें भी याद रह सकती हैं। ज़रूरत है तो हमें सही ढंग से उसे पढ़ाने की, उसे समझाने की कि आप सब कुछ याद कर सकते हैं। तो निर्वाण के अंदर आप पहुँचे हो दिलबाग जी के थ्रू, बच्चे सीख भी रहे हैं, निर्वाण के बाद बच्चों को अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़े तो उसके लिए कहाँ मिले? उसके लिए दिलबाग शास्त्री जी, ये एड्रेस क्या है सर यहाँ का? हरी नगर गली नंबर दो में शास्त्री जी से कॉन्टैक्ट करें और वो डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अब रेगुलर बेसिस पर ऐसी कक्षाएं प्रारंभ की जाए नरवाना में, तो नरवाना और आसपास के लोग संपर्क यहाँ कर सकते हैं। कुछ और अलग से आप कहना चाहते हैं? जी, अलग से यही है कि हमें अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हम जैसे कपड़ों में, खाने पीने, घूमने में इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, कुछ हमें अपने दिमाग पर भी करना चाहिए। आप अपने आसपास कुछ देखें जहां दिमाग को ट्रेन करने की व्यवस्थाएं हैं, तो आप एक इतना अच्छा टूल है जिसको यूज़ करके ज़िंदगी में आसानी से ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ है जितेंद्र जी जो हिसार JJU से में सेवा दे रहे हैं और इन्होंने जिस प्रकार बच्चों को ट्रेनिंग दी है
आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे आंखों पर पट्टी बांध कर, कुछ लोग इसको जादू कहेंगे, चमत्कार कहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मानसिक एकाग्रता, एकाग्रता के माध्यम से बच्चों को ये विधि सिखाई गई है और इस विधि के अनुसार ही बच्चे आंखों पर पट्टी बांध कर कार्ड्स, अखबार, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। हालांकि बच्चों की भी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम एक बार फिर बच्चों से इंटरव्यू लेंगे, वो कितने इसमें सक्सेस हो चुके हैं और कितने प्रकार के जैसे वो क्रियाएं हैं, इनके अंदर जो कलाएं हैं वो कैसे पुस्तकें पढ़ेंगे, उनको एक बार और दिखाएंगे आपके। धन्यवाद। हमारे साथ दिलबाग शास्त्री जी है जो नरवाणे के अंदर इस कला को लेकर आए हैं और कला का आपने देख भी लिया वीडियो के माध्यम से किस प्रकार बच्चे आंखों पर पट्टी बांध कर पढ़ रहे थे। हाँ जी सर, कहाँ छुपी हुई थी कला जो आज लेकर आए? सर, एक रोहतक हमारी भारतीय शिक्षण मंडल की बैठक थी और ये जितेंद्र सर वहाँ अपनी बेटी को लेकर के आए हुए थे। इनकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और उन्होंने बताया कि आजकल एक ऐसी कला है जो ऋषि मुनियों के समय से थी, पर वो मैं ईजाद की है और उसका एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी बेटी के ऊपर ही किया है। और जब हमने अपने हाथों से उस बेटी की आँख पे पट्टी बांधी, कई बार ऐसा होता है कि भाई शायद वो कपड़ा ऐसा मिल जाए, दिखता हो, ये हमने अपना भ्रम दूर करने के लिए उसकी आँख पे पट्टी बांध के और उसको एक बुक मैंने अपने पास से दी। तो मैं क्या सभी वहाँ जितने मीटिंग में हमारे अधिकारी मेंबर बैठे हुए थे चंबित रह गए कि उस बेटी ने ऐसे कान से उस बुक को लगाया और बताया कि इस किताब का नाम ये है। माँ बेटे इसका लेखक कौन है कि इसका लेखक ये? फिर मैंने उसे प्रश्न किया, माँ बेटे 15 नंबर पेज खोलो। उसने 15 नंबर पेज खोला और पढ़ के दिखा दिया। तो मुझे लगा कि ऐसी एक कला को क्यों ना हमारे क्षेत्र के अंदर भी लेके जाया जाए और मैंने जितेंद्र जी से संपर्क किया, पर इनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बहुत सारे IAS अधिकारी भी इनसे ट्रेनिंग लेते हैं, कई दूसरे प्रांतों में भी जाना पड़ता, पर मेरा प्रयास जारी रहा और 6 महीने के प्रयास के बाद मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं अपने शहर और अपने शहर में भी क्या कि मैं अपने आवास और आवास के सामने जो जिम है उसी में इसका एक कैंप लगाने में कामयाब रहा और मैंने कुछ गणमान्य लोगों से संपर्क किया। पहले लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने इनको कहा कि अपनी बेटी को लेकर के आना, तो जितेंद्र जी का विश्वास ऐसा था कि सर मैं बेटी को लेकर नहीं आऊँगा, आपके जो नरवाणा के बच्चे होंगे मैं उन्हीं में ये चीज़ करके दिखा दूँगा। और जैसा आपने अभी इंटरव्यू में सामने देखा भी है कि उन बच्चों ने केवल 3 दिन के प्रयास से वो चीज़ करके दिखा दी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपके भी बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे भी बच्चे सीख रहे हैं और अभी जो छोटा सा बच्चा गुड़गांव से जो मेरी मैडम की छोटी सिस्टर है वो स्पेशल वहाँ से लेकर के आई, जब आज आपके सामने उसने न्यूज़पेपर तक पढ़ के दिखाया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चियों के लिए बहुत आवश्यक कदम है। और ये आवश्यक क्यों है कि बच्चे अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ न लगा करके अपने माइंड को एकाग्रचित करके अपनी पूरी ताकत को उस पर लगाएँ। और जो बच्चों के ऊपर एक पढ़ाई का बर्डन है, अगर वो एकाग्रचित होकर के अपने ध्यान में लगाएंगे तो वो बर्डन कम हो जाएगा कहीं तक। और जैसा मैं देख भी पाया कि इन्होंने 3 दिन में खेल खेल के अंदर ही बच्चों पर कोई वजन नहीं डाला, कोई कुछ नहीं किया और खेल खेल में ये सारी विद्या सीख गए। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वैसे जिम चला रखा था पर मैं मेरे मन में आया कि अब मैं जिम को बंद करके इसको एक सेंटर के रूप में विकसित करना चाहता हूँ कि जिससे गरीब अमीर सभी के बच्चे यहाँ आ करके और एक मिनिमम जो इन सर की फीस रहेगी उसको लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा करके अपने जीवन का निर्माण कर सकें। मेरी बेटी DU में पढ़ती है, BSc में है वो। जब मैंने उससे कहा बेटे इससे कुछ मिल रहा है, कहने के पापा ये तो एक नई चीज़ आ गई है, हमारा दिमाग इतना विकसित हो गया है कि मुझे पढ़ाई जो इतना वजन लगता था वो वजन ही नहीं लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो दर्शक हैं वो भी इससे जुड़ें और लाभ लें ताकि उनके बच्चों पर भी जो पढ़ाई का वजन है उससे दूर होकर के एकाग्रचित होकर के। जितेंद्र जी ने बताया कि कई UPSC जो 7-7, 8-8 नंबर से रह जाता था केवल इनके 7 दिन के कैंप के मात्र से पहले में ही वो जो है ना उसको कवर कर गए। तो जैसे आप गुरुकुल पद्धति से जुड़े हुए हो, तो ये लाना आपका लक्ष्य था या अचानक ही मिली आपको? नहीं, मेरा लक्ष्य था, मैं चाह रहा था कि ऋषि मुनियों की जो विधाएँ हमारी लोप होती जा रही हैं, जो पूरे संसार को हमने ज्ञान दिया जिसके कारण से विश्व गुरु हम कहलाए, आखिर अब कैसा क्या हो गया कि वो विश्व गुरु की पद्धति हमारे यहाँ से चली गई। तो इसी क्षेत्र में हम एक और संस्था से जुड़े हुए भारतीय शिक्षण मंडल, उसका भी काम यही है
कि जो हमारी प्राचीन विधाएं छुपी हुई हैं उनको उजागर किया जाए। गुरुकुलों में भी यही काम होता है, संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा देना। तो मेरी एक सोच थी और परमात्मा ने उसमें मेरा साथ दिया कि ये जितेंद्र जी साइंटिस्ट मुझे जो है ना रोहतक मिले, और उसके बाद हम इसको यहाँ लाने में कामयाब हुए। ये मेरा प्रयास था। ठीक है, धन्यवाद आपका। दिलवाग शास्त्री जी जो नरवाणक के अंदर जितेंद्र जी को यहाँ लेकर आए, एक बच्चों को एक नई कला लेकर आए हैं, इनका लक्ष्य भी था कि प्राचीन जो पद्धति है जो लगातार चली हुई है, गुरु जो पुराने ऋषि मुनि होते थे उनके द्वारा जो पद्धति चलाई हुई थी उसको आगे बढ़ाए, और ये अपने लक्ष्य में भी कामयाब हुए हैं। और नरवाणे के अंदर हरिनगर कॉलोनी में ये जो कला है सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दिलवाग शास्त्री जी हैं नरवाणे के अंदर, गली नंबर 2, हरिनगर। धन्यवाद।